तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत? हम बांसुरी बजाएंगे, पहले आप कमरा सिखाइए। भंवर ने माने कहीं छोड़ दियो या तो वही जाने, पर मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तू कौन लगती है हमारी जो इतना हक जता रही है? तो ठीक है, तू आमदनी बढ़ा और हम दुश्मनी। विजया, मैं क्या कह रही थी कि बंसी और मैडम जी से हमें माफी मांग लेनी चाहिए। भाई बुढ़ा मांगनी माफी माफी, अरे समझे का ही वो बंसी अपने आप ने? देखा था ना तूने क्या तेवर दिखा रहे हो, जो माफी मारे ठेंगे से। ओहो मेरी घायल शेरनी, अब दम भी भर ले। जहां दोस्ती होती है वहां छोटी मोटी खटपट तो होती है। अगर बंसी की गलती है तो हमारी भी तो गलती है ना। कोई गलती ना है हमारी, और अगर गलती है भी तो ऐसी गलती हमारी जूती तले की है। गलती काई करेगा? हाँ मैं नहीं मारा है धक्का। तू काई चावे उस यहरी मैडम के आगे हम झुक जावे, ये चावे है तू? तो तुझे अपना घमंड प्यारा है, बंसी की दोस्ती नहीं। जवाब दे, तू अपनी नाक ऊंची करने के वास्ते बंसी से लड़ सके है के? कितना वक्त हमने एक साथ बिताया था, क्या इस रिश्ते को ऐसे ही तोड़ देगी तू? रिश्ते की बस हमें पड़ी है, उस बंसी का कुछ नहीं बनता क्या? मारा दिल कहता है कि जितना बंसी को मैं जानती हूँ उसे भी बहुत अफसोस हो रहा होगा। अफसोस होवे है ना तो वो झलक जावे है पूरी, इन्हें कोई अफसोस को नहीं। अरे लट्टू आ फिर रहा है उस सहरन के पाछे पाछे। मारी बात मान, सुबह बंसी से माफी मांग लेते, ज्यादा सोचने की जरूरत को नहीं, चुपचाप सो जा जाके। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रणवीर शेखावत। मायसेल्फ देव प्रताप। अरे सर क्यों शर्मिंदा करते हैं आपको, कौन नहीं जानता सर। हुकुम कीजिए, क्या काम है आपको मुझसे? दरअसल बात ये है राजवीर जी की, कुछ दिन पहले एक सपेरा, उसका नाम नेत्रान था, वो अपनी बेटियों के साथ यहाँ पर आया था डांस एकेडमी में एडमिशन के लिए। इत्तेफाक ये हुआ कि उससे मेरी मुलाकात बड़ी दिलचस्प तरीके से हुई। बस स्टैंड के पास एक चोर मेरा मोबाइल फोन चोरी करके भाग रहा था और इन लड़कियों ने बड़ी बहादुरी से उसको पकड़ करके मेरा मोबाइल फोन मुझे वापस दिलवा दिया। हाँ वो चोर तो हमारी कस्टडी में है। हाँ मुझे मेरे वॉचमैन ने बताया, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। गलतफहमी ये हुई कि कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे लगा कि ये शायद सपेरों की ही जान थी। नहीं हुकुम नहीं, इन चोरों की टोली का इन सपेरों से कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ग्रोह था जिसको पकड़ने में हमको बड़ी मुश्किल आई। राइट, लेकिन जब ये बात मुझे पता चली तब मुझे असली समझ में आई। मुझे अफसोस है कि मैंने इन लोगों को बहुत भला बुरा कह करके यहां से भगा दिया था। तो आप ये चाहते हैं कि हम उनकी तलाश करें? जी, इस एरिया में एक बाबा नाम का आदमी ऑपरेट करता है, यहां का क्लर्क बन करके। I think he is the man who conned these poor village people. तो आप चाहते हैं कि मैं उस आदमी को गिरफ्तार करूं? Don't worry sir. वैसे तो फिल्मों ने हम पुलिस वालों की इमेज को बहुत खराब किया हुआ है, लेकिन हम पुलिस वालों का नेटवर्क भी इतना कमजोर नहीं कि बाबा जैसे फ्रॉड को हम लोग ढूंढ ना सकें। बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि वो कंगन आप वापस ला सके। मैं सर पूरी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल ये, उन कंगनों को आप इन सफरों तक पहुंचाएंगे कैसे? एक बार कंगन हाथ आ जाएं, फिर ये कंगन जिस हाथ के हैं
वो हाथ भी मिल जाएंगे। यू आर राइट सर, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। बहुत जल्दी सर मैं आपसे मिलता हूँ। क्या कर रहे हो बंसी? अरे मैडम जी, आप यहाँ कैसे? मैं तो बस लकड़ियाँ काट रहा था जलावन के लिए। आइए ना बैठिए। इट्स ओके बंसी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना मैडम जी। बंसी, मैं भूरी और बिछिया के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, अभी शहर से आई है दोनों, हवा में उड़ रही। आप बेफालतू तो चिंता ना करो मैडम जी, देखना अभी कैसे सीधी हो जाती है। बचपन से जानता हूँ मैं उन दोनों को। बंसी, ऐसा नहीं होता दोस्ती में। अरे दोस्ती में तो ऐसा भी नहीं होता जैसे उन दोनों ने हमारे साथ किया है। मेरी बात मानो बंसी, हम चल के उनको मनाते हैं, वो दोस्त हैं हमारे, हम चल के उनसे माफी तो मांग सकते हैं ना। आप नहीं समझती मैडम जी, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कितनी हंसी उड़ाएंगी दोनों हमारी। अच्छा तो तुम हंसी उड़ाने के डर से माफी नहीं मांगोगे? सरदार जो हो ना। क्या बात है हुकुम, आज तो बहुत ही रोमांटिक मूड में दिखाई दे रहे हैं, डांस के मूड में। डांस ही तो रोमांस है राजवीर जी, लेकिन आपकी तारीफ जरूर करना चाहूंगा भाई, वक्त के बड़े पाबंद हैं आप, कमाल है। आपका हुक्म था हुक्म, और आपके हुक्म के मुकाबले मैं कैसे कर सकता था। कुछ लेना पसंद करेंगे? कुछ नहीं सर, ये आपके कंगन। वाह सुपर, क्या वो आदमी आपने पकड़ लिया? क्या नाम था उसका? बाबा। पकड़ भी लिया सर और सब कुछ उगलवा भी लिया, ऐसी चार्जशीट बनाई है कि बिल मिलना मुश्किल है। To be honest, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कम से कम मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। आपके जाने के बाद वो विश्वास कमजोर ना हो जाए। देख रही है बिछिया, जब से हमारी लड़ाई हुई है बंसी भी खुश को नहीं। जैसा इसका दिल है वैसे इसकी बांसुरी की धुन। तो कहीं हमने कहा था उसे कि हमसे लड़ाई करे, वो भी खैरों के लिए? अच्छा ठीक है, जो होयो सो होयो, अब हम लोग माफी मांगने जा रहे हैं ना बंसी से, चल उसको चल के मनाते हैं।
बंसी। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? हम तो कब से यहाँ पर हैं, लेकिन तू है कि अपनी बांसुरी के धुन में इतना मगन था कि थारे को कहीं किसी के सुध बुध। गलती तो मारी और बिछिया की ही थी, और अब हम थारे से माफी मांगने आए हैं। अरे तू ऐसा क्यों सोचती है बुरी? मारी ऐसी कोई मनसा नहीं थी कि तुम दोनों मारे से माफी मांगो। अरे तुम दोनों तुम्हारी अच्छी दोस्त हो। ये बिचिया चाहे ऊपर से कुछ भी बोल दे, लेकिन अंदर से इसका मन बहुत साफ है। अगर तुम्हारे को इतना जाने हैं, इतना समझे हैं, तो फिर अठे अकेले काई ले बाने बैठे हुए? अरे पगली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तो इतनी दुख भरी धुन क्यों बजा रहा था? मारे को तो यही लगेगा ना कि तुम्हारे से अभी भी नाराज है। तू ऐसा क्यों सोचती है बुरी? मन का क्या है? मन तो अपने कारण से भी दुखी हो जाता है। मारे मुंह से निकली हुई बात मारे मन को कचोट रहा है। मुझे बिछिया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उल्टा मुझे तुम दोनों से माफी मांगनी चाहिए। तो फिर ठीक है ना, तूने हमसे माफी मांग ली और हमने थारे से, बात बराबर हो गई। तो ठीक है बंसी, अब जो हमारी पुरानी वाली धुन है ना वो सुना दे। चल पूरी। सच में दोस्ती हो तो ऐसी जैसे कि इन तीनों की है। आज की इस दुनिया में जहाँ हर इंसान सिर्फ अपने मतलब की सोचता है, इनका ये अटूट रिश्ता एक मिसाल नहीं तो और क्या है। मेरे जैसे शहर के लोग इन्हें जो चाहे समझे, पर सही मायने में तो जिंदगी जीना सिर्फ इन्हीं को ही आता है। अरे मैडम जी, आप यहाँ कैसे? अरे आप लोग रुक क्यों गए? मेरे आने से डिस्टर्ब हो गए तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो थारे इंतजार कर रहे थे, अच्छा है जो आप आ गए। बंसी ने तो हमें माफ कर दिया है, तो आप भी हमें माफ कर दीजिए ना। जी मैडम जी, सारी ना हमारी गलती थी। पता नहीं गुस्से में मैं थारे को के कह गई, थारे से झगड़ भी पड़ी, लेकिन ना हमारे दिल में थारे को लेके कोई मैल ना है। मुझे मालूम है बिछिया, एक सच्चे कलाकार का दिल कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो फिर ई का मतलब तुमने हमारे को माफ कर दिया ना? माफी तो मैं मांगना चाहती थी तुम लोगों से, मेरी वजह से तुम लोगों के बीच में झगड़ा जो हो गया। जाते जाते मैडम जी आप कहाँ जा रहे हो? यही बताने आई थी मैं बंसी। एक्चुअली आज मुझे शहर वापस जाना पड़ रहा है,
लोगों को आप लोगों के बारे में बताना भी तो है। मैडम जी, नहीं पता कि दुनिया हमारे बारे में जानकर क्या सोचेगी क्या समझेगी। मुझे बस डर है कि जो विश्वास आपने हमारे अंदर जगाया था, आपके जाने के बाद वो विश्वास कमजोर ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बंसी, मुझे तुम लोगों के बारे में अभी दुनिया को बताना भी तो है टीवी के जरिए। तुम लोग चाहो तो आसमान छू सकते हो, पर जरूरत है तो तुम लोगों को बस एक मौका देने की। मैडम जी, आप हमारे लिए कितना सोचती हो, ये उपकार हम कैसे चुका सकते हैं? पर मुझे गांव वालों ने इतना प्यार जो दिया है, मैं उन लोगों से मिले बिना कैसे जा सकती हूँ? एक मिनट, आप लोग क्या मुझे अपनी तस्वीर दे देंगे? हाँ, मैडम जी, ले लो। बंसी, तुम भी आ जाओ ना। किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको दिलाने में साजिश रचती है। डायलॉग फिल्मी है पर सही है। ये सब बहुत हो गया, अब इस तरह ये जीवन हम नहीं जी सकते। देखिए, मैं भी देखता हूं क्या हो सकता है। ओके। ये कंगन जिसकी अमानत है जरूर वापस करूंगा। गुड मॉर्निंग सर, ये आपकी चाय और ये आज का न्यूज़। ये तो वही दो लड़कियां हैं। किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको दिलाने में साजिश रचती है। डायलॉग फिल्मी है पर सही है। मुझे इन सपेरों के गांव जाना। भाइयों, हम सपेरों की बस्ती में कौन आना चाहता है? अरे वो तो शहर वाली मैडम बहुत बड़ी दिलेर थी। जो इतने दिनों तक हमारे बीच में रुक कर गई, वरना तो देखते हैं आगे क्या होता है। और वैसे वो शहर वाली मैडम जी ने जो हमारे गांव पे सिनेमा बनाया था, वो और लोग भी तो देखेंगे।
पता नहीं कौन हमें या हमारे हुनर को पहचान ले, और कभी ना कभी तो हमारे भी दिन बदलेंगे। भाया, 100 बातों की एक बात। अरे दिन तो तभी बदलेंगे जब हम सब ये ठान लें कि बस ये सब बहुत हो गया, अब इस तरह ये जीवन हम नहीं जी सकते। अरे यूं नठल्ले बैठ करके हम ये सोचते रहें कि हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, ना भाया ना। अरे ऐसा चमत्कार होने वाला नहीं है। बिना खून पसीना बहाए हुए ना तो इज्जत मिले है और ना ही रोटी। क्या जेल जाने का कलंक हमारे माथे पर चिपकाने आए हो? जेल तो मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुमको नहीं नेत्राम, बल्कि तुम्हारी इन दो बच्चियों को। खबरदार,